हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संपूर्ण मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर आवर मैथमेटिक्स इन 11th स्टैंडर्ड। दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड के ये सभी स्ट्रीम्स लाइक आपका आर्ट्स के बच्चों के लिए, साइंस के लिए एंड कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए ये कॉमन चैप्टर है। तीनों में ही ये इन्वॉल्व है और लगभग कॉन्सेप्ट भी उतना ही आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये कॉमन चैप्टर है तीनों में फ्रेंड्स। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी बेसिक वन। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको बेसिकली समझें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको आगे हेल्प करेगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, को स्टार्ट करते हैं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, आप एंगल के बारे में पहले से जानते हैं एंड यू हैव ऑल्सो मेजर्ड इट एज वेल। आपको याद होगा आपने उसे डिग्री में मेज़र किया हुआ है। बट फ्रेंड्स, मैं कुछ बेसिक डिस्कशंस यहाँ से करना चाहता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा भी डाउट मतलब कि इस कॉन्सेप्ट में आगे फील ना हो। तो मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ से बेसिक से 9th स्टैंडर्ड से मैं उठा के लेके चलता हूँ इसको। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्रेंड्स, आप लाइन्स के बारे में क्या जानते हैं, फिर हम लाइंस के बारे में बताएंगे पहले, फिर आपको रेज, सेगमेंट एंड देन एंगल्स, देन को मेज़र कैसे किया जाता है, पहले कैसे करते थे और अब हमारे पास जो न्यू सिस्टम आया वो क्यों आया है और उसकी ज़रूरत क्या है और हम उसमें कैसे मतलब कि एंगल्स को मेज़र करते हैं, व्हाट इज़ द सिस्टम हियर, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लाइन्स का मतलब क्या होता है, आप लाइन्स के बारे में क्या जानते हो? सिंपल, आप लाइन्स के बारे में आप ये जैसे ही देखते हो आप बोलते हो सर ये एक लाइन है, पर इसके बारे में क्या जानते हो? मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको तीन बातें बताता हूं। पहली बात ये कि इट इज़ यू नो अनलिमिटेड एट बोथ द एंड्स, दैट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। इसको दोनों ही डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, आप दोनों ही डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसको बढ़ाया जा सकता है। सो दैट्स वाई, इसी वजह से हम इसकी लेंथ भी नहीं ले सकते, क्योंकि पता ही नहीं ना इसका एंड पॉइंट, ही हमको नहीं पता ना, वी डोंट नो इट्स बोथ एंड्स, यू कैन से दोनों ही एंड पे क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। तो इसको हम दोनों ही डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप जानते हो। सो दिस इज कॉल्ड लाइन, दोनों तरफ एरो लगाते हैं, बोथ एंड पॉइंट्स आर अननोन, नहीं पता है, ठीक है। आपने इसका हम लेंथ नहीं ले सकते क्योंकि एंड पॉइंट्स नहीं है। तीसरी बात इसकी ये कि इसको हाउ टू नेम इट, इसको नेम कैसे किया जाता है। तो यू टेक एनी टू पॉइंट, आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, वैसे पे आप जानते हो लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट यू कैन टेक एनी टू पॉइंट, आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और इसका नाम ले लीजिए लाइन ए बी। कोई भी दो पॉइंट आप लेके लाइन ए बी कहो, लाइन बी ए कहो, एंड इस तरीके से कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, या फिर आप एक किसी स्मॉल लेटर स्मॉल एल स्मॉल एम, इस तरीके से आप इसका नाम ले सकते हो लाइन एल, ऐसे भी कह सकते हो लाइन एल, लाइन पी, लाइन क्यू, लाइन आर, आप इस बारे में जानते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन्स। नाउ सेकंड, मैं जानना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा, आप जानते तो हो ही ऑलरेडी, रे, थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ, रे के बारे में क्या जानते हो आप? गाइज, रे जैसे कि आप जानते हो सूरज से निकलने वाली किरणें, या फिर आपने यहाँ पे भी देखा होगा एंगल्स जिसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हो आज, उसमें भी आपने देखा है कि किस तरीके से एंगल बनाने के लिए हमको रेज की ज़रूरत पड़ती है। तो रेज कैसे होते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, इनका जो एक एंड होता है, वन एंड, इट्स वन एंड इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड बट द अदर एंड इज़ नॉट फिक्स्ड। दूसरा एंड जो होता है इट कैन बी एक्सटेंडेड अनलिमिटेड इन दैट डायरेक्शन, उसको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सो हेंस इट कैन नॉट बी मेजर्ड एज वेल, इसका भी लेंथ हम नहीं ले सकते। यस, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, इट्स वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज नॉट फिक्स्ड, जिसके भी इसको आगे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और इस वजह से इसका हम लेंथ नहीं ले सकते, ठीक है, इसका हम लेंथ नहीं ले सकते। एंड व्हाट अबाउट हाउ टू नेम दिस, इसको नाम कैसे लिया जाता है फ्रेंड्स, इसका नाम कैसे लेते हैं? जो इसका पॉइंट फिक्स होता है आप वहाँ पर एक पॉइंट पी लेते हो और जिस तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो, जिस तरफ का सेकंड पॉइंट जो आपका एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, आप उस तरफ डायरेक्शन में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए क्यू, नाउ यू कैन नेम इट रे पी क्यू। सी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सो इट विल बी ऑलवेज टेकन फर्स्ट, आपको हमेशा पहले पी को ही लेना होगा,
उसके बाद आपने कोई भी पॉइंट क्यू ले लिया, कोई भी पॉइंट आर ले लिया, एस ले लिया, आप इसको कह सकते हो रे पी क्यू, रे आर पी आर, रे पी एस, वट एवर। ठीक है, तो लाइन लेंथ नहीं ले सकते, रे लेंथ नहीं ले सकते। नाउ एक चीज और है, वो है आपका सेगमेंट। मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसकी हमें ज़रूरत है, इस वजह से मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आई हैव टू गो बेसिकली एकदम। सो सेगमेंट दोस्तों, सेगमेंट आपने जानते हैं, सीधी सी बात, ये हो गया आपका, और आप इनको किसी ट्रायंगल के साइड्स में आप देख लेते हो। ये देखो, जैसे ट्रायंगल की साइड्स जो होती हैं, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट ए सी। ठीक है, सेगमेंट इसके दोनों ही एंड क्या होते हैं, इट्स बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, इट्स बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। मतलब आप इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ले सकते हो, ये फिक्स है। तो सेकंड पॉइंट में इसका आप लेंथ ले सकते हो। और तीसरी बात क्या है दोस्तों, तीसरी बात, इसका नाम कैसे लेते हैं, यू टेक ए एंड बी द नेम ऑफ देयर एंड पॉइंट्स, ए बी बी सी सी डी वट एवर। अब आप इसका नाम कह सकते हो सेगमेंट ए बी, सेगमेंट जो भी है, बी ए भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पे ए बी बी सी ए सी, इस तरह से। सो फ्रेंड्स, लाइन रे इनका लेंथ आप नहीं ले सकते, बट सेगमेंट का लेंथ आप ले सकते हो। अब चलिए बात करते हैं हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में अभी तक हमने जो भी स्टडी किया हुआ है अप टू द 10th स्टैंडर्ड, वो सब बातें पहले हम जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हम इसको हम आगे कैसे लेकर जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा एंगल्स के बारे में। दोस्तों आप क्या जानते हो एंगल्स के बारे में? सबसे पहले जब आपको कहा जाता है कि एंगल ड्रॉ करिए, तो आप क्या करते हो, आप एक स्केल लेते हो और उससे एक रे ड्रॉ कर लेते हो। दोस्तों इसको हम कहते हैं इनिशियल आर्म ऑफ आवर एंगल, हमारे किसी भी एंगल का इसे हम इनिशियल आर्म कहते हैं। अब यही जो इनिशियल आर्म है, ये इस तरह से ये घूमता है, इस तरह से घूमता है ये, ठीक है ना, और जहां कहीं भी रुक जाए, यू विल गेट योर टर्मिनल आर्म, आपको आपकी टर्मिनल आर्म मिल जाती है। ठीक है, और इस तरह से ये आपका एक एंगल बन गया। इसका मेजर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसका मेजर आप थीटा डिग्री या कुछ भी मेजर आप इसका कंसीडर कर लेते हो, आपको पता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, आप बनाते कैसे थे यहाँ पर, आपको पता अच्छी तरीके से, आप यहाँ पर एक इनिशियल आर्म ड्रॉ करने के बाद में प्रोटेक्टर की हेल्प से आप कितने भी मेजर का, जानते हो प्रोटेक्टर कैसा होता है आपका, तो आप कितनी भी मेजर का, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, आप इस तरह की किसी भी मेजर का एंगल आप ड्रॉ करते हो ताकि आपको एक टर्मिनल आर्म मिल जाए। ठीक है ना, पर एक्चुअल में हम क्या करते हैं, दिस इज आवर इनिशियल आर्म एंड इफ दिस रोटेट्स एंड स्टॉप समवेयर, कहीं रुक जाए लाइक दिस, इस तरीके से यू गेट योर टर्मिनल आर्म, और इन दोनों आर्म्स के बीच में ये जो एंगल है इसी को कहते हैं हम लंबाई। ठीक है, और हम क्या जानते हैं इसके बारे में, हम इसके कुछ टाइप जान लेते हैं दोस्तों एंगल्स के बारे में। वैसे भी आप जानते हो या फिर इस तरीके से एंगल्स के बारे में आप कुछ तो ये भी सुने होंगे करके कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यहां पे एट दिस पॉइंट एंगल्स आर क्रिएटेड लाइक दिस, इस तरह को। ठीक है ना, ये हमारे एंगल्स हो गए। इनका नाम लेने की बात आती है तो आप कैसे नाम लेते हो, जैसे दिस इज द पॉइंट वेयर एंगल इज फॉर्मड, इस पॉइंट पे एंगल बना हुआ है, सपोज इट्स नेम इज बी, और आप दोनों जो आर्म्स है आपके, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म, आप उन पर कोई भी कहीं पर भी, उन रेस पर कहीं पर भी कुछ पॉइंट्स आप ले लीजिए। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट बी, जहां पे एंगल बना हुआ है, आप उसको बीच में रखते हैं, और चाहे तो ए से स्टार्ट करिए या फिर सी से स्टार्ट करिए, आप इसको कह सकते हो एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए, या तो ए बी सी बोलिए या तो सी बी ए बोलिए, या फिर आप इसको डायरेक्टली एंगल बी भी कह सकते हो। और अगर इसका मेजर कुछ सपोज 60 डिग्री है, जैसे कि आप अभी तक मेजर करते आए हो, तो हम इसको लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री, या फिर मेजर ऑफ एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर मेजर ऑफ एंगल बी इज इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखते आए हैं। ये आप एंगल के बारे में इस तरीके से इतना कुछ जानते थे।
लेकिन दोस्तों यहां पर फैक्ट्स बात कर रहे हैं कि अभी तक हम एंगल्स के बारे में क्या क्या बातें जानते हैं। तो हम एंगल्स के बारे में पहली बात ये जानते हैं, दूसरी बात ये कि इसकी डिग्री, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री। मतलब हम एंगल्स को अभी तक हम डिग्री में मेजर करते हैं। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है हमको इसमें डिस्कस करना है, बट फिलहाल मैं बातें कर रहा हूं अभी कि हम अभी तक क्या जानते थे। तो हम क्या जानते थे एंगल्स की, ये सारी बातें, और हर एक एंगल को किस यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, और इसके कुछ हम टाइप जानते थे, मैं जो कि यहां पे डिस्कस कर देता हूं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में जैसे कि ये आपका इनिशियल आर्म है और ये आपका टर्मिनल आर्म भी इसी पर ही है, मतलब कुछ देर के बाद भी ये रोटेट नहीं हुआ। मतलब इनिशियल आर्म OA है और टर्मिनल आर्म भी, मतलब मान लीजिए OB इसी पोजीशन पे है, तो एंगल बने नहीं ना। इफ द एंगल इज नॉट फॉर्म, अगर एंगल नहीं बना तो इसको हम क्या कहते हैं, यस दिस इज कॉल्ड जीरो एंगल। कुछ टाइप्स हम जानते थे फ्रेंड्स, जीरो एंगल क्या होता है कि आपका इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म दोनों एक ही रे पर है, ठीक है ना, तो इसलिए एंगल बना ही नहीं, जीरो एंगल यहां पे कहेंगे हम। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास जो दूसरा टाइप था आपका, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये आपका इनिशियल आर्म है, इफ दिस इज योर इनिशियल आर्म एंड इट रोटेट्स कंप्लीटली, मतलब फिर से वहीं पे आ जाए, लेकिन घूम के आया है, अभी वो वहीं पर खड़ा नहीं है, कुछ समय के बाद वो घूम के आ गया है, उसी पोजीशन पे आया है, इट हैज कंप्लीटेड वन रोटेशन, सो दिस इज कॉल्ड वन रोटेशन एंगल। एंड इट्स मेजर इज इक्वल टू हाउ मच, पूरा कंप्लीट रोटेट कर गया है, तो इट्स मेजर इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, इट्स मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता है अच्छे तरीके से, जब पूरा रोटेट कर जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा, और हेंस टोटल कितना होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा जो आपका टाइप था कि ये जो आपका इनिशियल आर्म है ये कंप्लीट रोटेट होने की बजाय, ये क्या करता है आधा, मतलब ये इस तरीके से एक अपोजिट रेज, यू कैन से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट रेज, दिस इज कॉल्ड हाफ रोटेशन। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे रह गया, दिस इज व्हाट हाफ रोटेशन, ये कितना डिग्री का होता है, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड हाफ रोटेशन फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं हम, हाफ रोटेशन एंगल, ठीक है ना। ये आपकी इनिशियल आर्म है, दिस इज योर इनिशियल आर्म एंड दिस इज योर टर्मिनल आर्म, ठीक है, तो आधा ही रोटेट हुआ है, कंप्लीट रोटेट होता है इसकी तरह बिल्कुल कितना बन जाता था टोटल, ये 360 डिग्री। नाउ आपके कुछ और भी टाइप्स से आपको याद होगा, कुछ और भी टाइप्स में जैसे कि आपका आ जाता है राइट एंगल आ जाता है, जैसे कि ये आपका देख रहे हो, दिस इज योर इनिशियल आर्म, आप समझ रहे हो आपने कैसे लिया स्केल की हेल्प से, ठीक है, ऑफ एनी लेंथ, लेंथ तो आप जानते हो यहाँ पर शो ही नहीं करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ रे है तो ऑब्वियसली रे का लेंथ तो ले नहीं सकते हैं, इजंट इट, तो हाउ कैन यू शो दैट, जब होगा ही नहीं उसका लेंथ तो आप शो क्या करोगे उसका, ठीक है ना। अच्छा, नाउ इफ द टर्मिनल आर्म स्टॉप्स हियर, अगर आपने ऐसे रोटेट किया आपने, ठीक है ना, इसको रोटेट किया, ये आपका OA है, इसने आपको रोटेट किया आपने, और इट स्टॉप्स हियर, यहां पे रुक जाता है, कहां पे, पॉइंट B पे, एंड इफ द एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, अगर दोनों के बीच का एंगल, दोनों ही इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, क्या बोलते हैं इसे हम, राइट एंगल, समझ गए फ्रेंड्स। और इस तरीके से आप जानते हो बाकी के भी, यस, क्या दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, लेस देन 90 डिग्री, यस दिस इज व्हाट, लेस देन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एंड अगर ज्यादा हुआ तो, अगर 90 से ज्यादा हुआ तो, यस यू नो दैट ग्रेटर देन 90 डिग्री
then what? This is called obtuse angle. So friends, ये सारी बातें हम अपने up to the 10th standard एक angle के बारे में हम इतनी सारी बातें हम जानते थे करके, ठीक है ना? अब चलते हैं हम यहाँ पर, हमारा यहाँ पर जो 11th standard में हम इस concept को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका reason क्या है वो जरा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? मैं इसको जरा पहले रफ कर देता हूँ। So my dear students, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि क्या अगर आपका जो फैन है, जैसे कि आपको हवा लगता है, गर्मी लगती है तो आप फैन चालू करते हो, जरा सोच के देखिए, अगर वो एक बार घूम के रह जाए तो क्या आपको हवा लगेगी? क्या आपके फैन रहने का कुछ उद्देश्य कंप्लीट होगा, कुछ एम कंप्लीट होगा? नो। जब तक वो कई बार रोटेट नहीं करेगा, जब तक वो कई बार रोटेट नहीं करेगा तब तक आपको हवा नहीं लगेगा और आपके फैन रहने का एम भी नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है? इसी तरीके से मान लीजिए एक स्क्रू है और आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप उसको दीवार के अंदर डालना चाहते हो, ठीक है? जब तक क्या आप उसको एक बार घुमा कर क्या आप उसको दीवार के अंदर डाल सकते हो? नेवर। आपको इसे कई बार रोटेट करना होगा तब जाके ये क्या करेगा, दीवार के अंदर जाएगा, है कि नहीं? इसका मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी भी जैसे कि हमारा जो ये सिस्टम है, ये जो हमारा जिसमें हमने अभी तक जो हमने पढ़ाई की एंगल्स के बारे में, वहाँ पे हमको क्या बताया गया कि हमारा जो एंगल का जो मैक्सिमम जो मेज़र है वो 360 डिग्री है, मतलब वो एक बार रोटेट कर लेता है, वो एक बार रोटेट करता है सो मैक्सिमम 360 डिग्री बन जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये एक बार रोटेशन से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? जैसे मान लीजिए कि देखिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आप जानते हो। लेकिन आप जानते हो करके कि टर्बाइन एनर्जी जिस तरह से हम मतलब कि बनाते, जिस तरह से वहाँ पर जब जो आपका रोटेट होता है, जो मशीन जब वो कई बार रोटेट होती है तब जाके एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, मतलब लाइट फॉर्म में दूसरे फॉर्मेट में, है कि नहीं? तो एक बार अगर वो घूमेगा तो हो जाएगा क्या? नेवर। उसे कई बार और तेज़ी से घूमना पड़ेगा तब जाके आपका काम कंप्लीट होगा, लाइट्स विल बी देयर, इज इट इट? सो फैन एक बार नहीं कई बार घूमना होगा, स्क्रू ड्राइवर को एक बार नहीं कई बार घुमाना होगा तब जाके इसको अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट वन रोटेशन इज नॉट इनफ, इट इज टेकिंग मल्टीपल रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इज टेकिंग वो हियर। इसकी वजह से हमारा जो एंगल है 360 डिग्री इज नॉट सेट एज मैक्सिमम, इसको हम मैक्सिमम नहीं कह सकते। आप बोलोगे सर बार बार तो वही हो रहा ना रोटेट, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जरा सोच के देखिए, वही एंगल तो वही है सब कुछ, 360 डिग्री 720 डिग्री, ठीक है ना? जितनी बार रोटेट होकर वहाँ पर आएगा फिर से वही आएगा कंडीशन, लेकिन उसका मतलब तो अलग है ना। जितनी बार वो रोटेट होगा उतनी बार आपको हवा तेज़ी से लगेगी, है ना? जितनी बार आपका टर्बाइन जो तेज़ी से घूमेगा उसका फ़ैन, उतनी बार आपकी लाइट जो है ज़्यादा जनरेट होगी, है कि नहीं? जितनी बार आप उसे घुमाओगे उतनी बार उसको अंदर ही जाता जाएगा, इफेक्ट है कि नहीं? इफेक्ट है। सो हेंस आपका ये जो मेजर ऑफ जो एंगल 360 डिग्री दैट्स नॉट मैक्सिमम, इससे भी ज़्यादा है। एक हिसाब से जस्ट थिंक अबाउट इट, एक दिन में कितनी बार आपका फ़ैन रोटेट कर लेता होगा? लगभग कई बार मान सकते हो आप यहाँ पर, कितना भी एक नंबर आप ले सकते हो यहाँ पर फ्रेंड, यस कितनी बार भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिग्री में लिखना एंगल्स को दैट विल बी सो मच डिफिकल्ट। जैसे कि अगर आप ये मान जाते हो कि यस, मान तो मानना तो पड़ेगा सीधी सी बात, क्योंकि टेंथ तक तो हमको ये बताया गया कि यस 360 डिग्री इज द मैक्सिमम वन, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे लाइफ में अपनी रियल लाइफ में देख रहे हो सामने से कैसी कई चीज़ें, ऐसे कई काम हैं, एक बार घूमने से काम नहीं होने वाला है, इट हैज़ टू टेक नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए तो बहुत बड़ा एंगल बनेगा, इसको लिखने जाओगे बोर्ड पर तो ये साथ लिख ना पाओ, तुम्हें याद भी ना रहे, इजंट इट? सो डोंट यू नीड अ डिफरेंट सिस्टम टू रिप्रेजेंट द एंगल हियर? क्या आपको एक अलग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है जो इतने बड़े नंबर को भी आसानी से रिप्रेजेंट कर सके? यस ऑब्वियसली, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले हम ये जो अपना पहला जो सिस्टम है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, अभी तक जो भी आपने एंगल का जो मेजरमेंट एंगल्स के बारे में जो भी पढ़ाई की है, दैट सिस्टम वॉज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम,
यहाँ के बिलीफ क्या थे हमारे पास? यस, कि देर इज द इनिशियल आर्म, ठीक है, एंड इट रोटेट्स इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, एंड क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा। इतना तो आपको डिस्कस किया जा चुका है, ट्रिग्नोमेट्री आपने डिस्कस वहां पे किया हुआ है। लेकिन यस, इनिशियल आर्म एंड इट इज रोटेटिंग एंड मेकिंग द एंगल्स ओवर हियर। दूसरी बात आपने क्या जाना कि इसको डिग्री में मेजर करते हैं। इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है डिग्री। और तीसरी बात जो इसमें आप जानते थे कि इसका जो मैक्सिमम जो एंगल है, जो मैक्सिमम मेजर ऑफ द एंगल है, दैट इज 360 डिग्री। आप सेक्सागेसिमल के बारे में क्या जानते हो फ्रेंड्स, जो अभी तक जो आप स्टडी कर रहे थे अप टू द 10th स्टैंडर्ड, जिस सिस्टम में हम इसको पढ़ रहे थे एंगल्स के बारे में, उसका नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम। यहाँ पे क्या बिलीफ थे कि देयर इज द इनिशियल आर्म, यू ड्रॉ इट बाई विद द हेल्प ऑफ योर स्केल ऑफ एनी लेंथ, यू डोंट टेक द लेंथ ऑफ दैट, यू कैन से आप उसको जब रोटेट करते हो एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी आप दूसरे आर्म्स को गेट कर लेते हो ऑफ एनी मेजर। आपको कहा जाता है कि इतने मेजर का ड्रॉ कर लीजिए, तो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेके ड्रॉ कर लेते हो। लेकिन आपको कैसे मिलता है, व्हेन इट रोटेट, व्हेन दिस आर्म, ये बिलीव किया गया, दिस वाज द बिलीव दैट दिस इनिशियल आर्म रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड एंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है। और उन एंगल्स को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, डिग्री में। डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 1 मेजर है एंगल का, 10 मान लीजिए करके हम, तो आप उसके ऊपर क्या करते हो, छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर देते हो। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट डिग्री, ठीक है ना। मैं इसके बारे में अभी और भी विस्तार से डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि ये डिग्री क्या होता है, ये 1 डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तीसरी बात हम यहाँ पर क्या माना हमने, मैक्सिमम यहाँ पे मेजर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन हमने क्या देखा रियल लाइफ में, हमारे कैसे सामने चीज़ें हो रही, फैन, स्क्रू ड्राइवर, समझ रहे हो, ऐसे बहुत से एग्जांपल आपके सामने आप देखेंगे, आसपास में मिल जाएंगे आपको, कि यहाँ पर एक रोटेशन से काम कंप्लीट नहीं होता। सो हैंस इट हैज़ टू टेक नंबर ऑफ रोटेशन। जब नंबर ऑफ रोटेशन लेगा तो एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको डिग्री में ऐसे लिखना बहुत मुश्किल होगा। सो वी नीड समथिंग डिफरेंट सिस्टम। इट जस्ट लाइक वॉट, आपकी एक छोटी सी फैमिली थी, आप 2 लोग थे, फिर बाद में और बच्चों की संख्या बढ़ी, फैमिली बढ़ रही है, फैमिली बढ़ने से आपका घर छोटा हो रहा है, तो आपको एक नए घर की ज़रूरत है जिसमें आपकी पूरी फैमिली फिट हो सके। मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हो। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। हम यहाँ पे अपने इस सेक्सागेसिमल सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक तरीका है इस तरह के बड़े बड़े एंगल्स को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें और हमको लिखने में या उसे याद करने में या उसे समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और इस सिस्टम का नाम है फ्रेंड्स सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम से द एज अ नेम सजेस्ट ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ का जैसे नाम होता है उससे आपको पता चल जाता है। जैसे मेरे चैनल का नाम है संपूर्ण मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर मैं लगभग मैथमेटिक्स आपकी हर एक फील्ड की, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, FY BCom, FY BSc, SY BSc, TY BSc, सभी की जो मैथमेटिक्स है मैं सब इस चैनल पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसी तरीके से सर्कुलर सिस्टम, इसका जो नाम है उसी से पता चलता है कि इस सिस्टम में सर्कल की इन्वॉल्वमेंट है, इस सिस्टम में सर्कल की इन्वॉल्वमेंट है। तो पहले कुछ बातें हैं फ्रेंड्स जो हमें सर्कल के बारे में जान लेनी चाहिए ज़रा। तो मैं सेक्सागेसिमल सिस्टम जैसे डिस्कस किया, सर्कुलर सिस्टम के बारे में भी वैसे डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ सर्कल के बारे में थोड़ी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, कुछ बेसिक्स हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो आपके पास सर्कल क्या, एक फिक्स पॉइंट होता है, एंड यू टेक सम डिस्टेंस कॉल रेडियस, यू ड्रॉ इट विद हेल्प ऑफ राउंडर। यस, ये देखिए, ये एक आपका क्या हो गया, ये आपका सर्कल है जिसमें यहाँ पे एक सेंटर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस आर, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। दोस्तों अगर इसका सेंटर कहीं पर भी है, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे है, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड नॉर्मल सर्कल, एक जनरल सर्कल है, ये एक जनरल सर्कल है। लेकिन अगर इसका रेडियस, अगर इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट हो जाए,
वन यूनिट, यू अंडरस्टैंड, वन यूनिट मतलब वन सेंटीमीटर, वन मीटर, वन किलोमीटर, वट एवर, दैट्स कॉल्ड वन यूनिट, ठीक है ना। सो अगर रेडियस वन यूनिट है सो इसको कहेंगे हम यूनिट सर्कल, दिस इज कॉल्ड वॉट, यूनिट सर्कल। दैट मीन्स अ सर्कल हैविंग रेडियस वन यूनिट, ए सर्कल हैविंग रेडियस वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल, ठीक है। इसका दूसरा टाइप मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जैसे कि ये आपका जानते हो ये क्या है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर ओरिजिन। आप इसके बारे में इतना तो जानते ही होंगे। अगर आपका एक सर्कल हो जिसका सेंटर ये ओरिजिन हो जाए, अ सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल, दिस सर्कल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल। अ सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। एंड तीसरा डेफिनेशन दोस्तों, मैं आपको इसका डेफिनेशन नहीं दूंगा, आप खुद से इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ आप समझ जाएंगे क्या, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये डिस्कस हो चुका है, ये 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में ये हो चुका है, बट फिर भी जैसा कि आप जानते हो कोविड की वजह से आपकी क्लासेस तो हुई नहीं है, वो इतनी ज़्यादा मतलब कि डिस्कशंस मतलब कि प्रॉपर नहीं हो पाएंगे ऑनलाइन में, इसलिए मैं बहुत ही बेसिकली जा रहा हूँ फ्रेंड्स। सो साथ में बने रहें और हर एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करें। सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, समझ रहे हैं ये यूनिट सर्कल क्यों है, क्योंकि इसका रेडियस वन यूनिट है। ये स्टैंडर्ड सर्कल क्यों है, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब दोनों को मिला दीजिए, मतलब अगर आपका जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, और ये जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू वन यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अ सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू वन यूनिट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। So, ये सर्कल के बारे में तीन चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ज़रा आपको अपने नए सिस्टम के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग क्यों नए सिस्टम की हमें क्यों ज़रूरत है, बिकॉज एंगल्स बहुत बड़े होते जा रहे हैं ना, अगर इट टेक्स नंबर ऑफ रोटेशन, अगर हम ये बिलीव करते हैं तो नंबर ऑफ रोटेशन की वजह से एंगल्स का बड़ा होता जाएगा मान, और इसको रिप्रेजेंट करने का हमें तरीका ढूंढने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ कम्प्लीटेड इन सर्कुलर सिस्टम, हमारा सिस्टम ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से बड़े बड़े एंगल यहाँ पर आ सकते हैं बहुत इजीली फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि इस सिस्टम की खासियत क्या है, और इसी नोट पे हम यहाँ पे इसको आज ख़त्म करेंगे जानने के बाद में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से और स्टार्ट करेंगे इसको स्टडी करना। तो सर्कुलर सिस्टम फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सिस्टम में सबसे पहली बात क्या है, जैसा आपने देखा सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या बिलीव्स थे, क्या बातें थी, वैसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर अपने एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन पे लेते हैं। स्टैंडर्ड पोजीशन पे मतलब कैसा, कि कंसीडर ए स्टैंडर्ड सर्कल, हियर एंगल्स आर कंसीडर्ड इन स्टैंडर्ड सर्कल। अब ये मत बोलिए कि आपको स्टैंडर्ड सर्कल के बारे में नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया कि ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। सो गाइज, ये आपका एक स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है ना। इनिशियल आर्म ऑफ एवरी एंगल, दोस्तों एंगल जो होते हैं, एंगल के दो आर्म्स होते हैं, आप इसके बारे में भी जानते हो, यस, दिस आर्म इज कॉल्ड व्हाट, इनिशियल आर्म, एंड दिस आर्म इज कॉल्ड व्हाट, टर्मिनल आर्म, ठीक है। अब आपके उसमें वहां पे सर्कल का डिस्कशन तो नहीं था, ये माना जाता था कि हाँ ये इनिशियल आर्म ये रोटेट करती है,
लेकिन आपको यहाँ पे पहले पोजीशन करना होगा, अपनी एंगल की इनिशियल आर्म को पोजीशन करना होगा। सो आप जानते हो फ्रेंड्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज द ओरिजिन। और इस तरफ क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज इस जगह पे जब नंबर्स आप लेते हो तो नंबर्स पॉजिटिव लेते हो। इस तरफ क्या लेते हो भैया, इस तरफ आपके कैसे एंगल्स होते हैं, इस तरफ होते हैं आपके नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये ऊपर कैसा है भैया, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और ये नीचे ओरिजिन से नीचे की तरफ क्या होता है आपका, नेगेटिव वाई एक्सिस आपका है ये, ठीक है। ओरिजिन की राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, अबो द ओरिजिन पॉजिटिव वाई एक्सिस, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव वाई एक्सिस, आप ये जानते हो। तो गाइस, एंगल्स के जो आर्म्स होते हैं, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, इसमें से सबसे पहले ये जो आपकी इनिशियल आर्म है इसको पोजिशन करना होता है। सो एंगल का मेजर चाहे कितना भी हो, चाहे वो 100 डिग्री हो, चाहे 1000 डिग्री हो, चाहे 2000 डिग्री हो, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे हर एक एंगल की जो इनिशियल आर्म है दैट इज ऑलवेज टेकन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या बिलीफ है, सबसे पहली इनिशियल आर्म of every angle is always on positive x-axis, मतलब पॉजिटिव x-axis ही सभी एंगल की इनिशियल आर्म है, ऐसा बिलीव किया जाता है। और दूसरी बात, जब ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब ये घूमेगा, समझ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए यहां पर घूमते हुए रुक गया ये करके, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो एंगल जो बनेगा उस मेजर को लेंगे पॉजिटिव एंगल में, ठीक है ना। सो यस, एंगल मेड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन is taken as positive angle, ठीक है। और अगर ये जो initial arm आपकी है, अगर ये इस direction में clockwise या घड़ी की दिशा में, anti clockwise घड़ी की विपरीत दिशा, clockwise घड़ी की दिशा में अगर वो इस direction में घूमती है और यहाँ कहीं रुक जाती है तो angle will be taken as negative, yes, otherwise, या फिर आप इस बात को पूरा लिख दीजिए करके, यस एंगल मेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप समझ रहे हो वहां पर मैं क्या लिखना हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज व्हाट, नेगेटिव एंगल, आप समझ रहे हो मैं वहां पे क्या लिख रहा हूं फ्रेंड्स। तीसरी बात हमारी, एंगल मेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपकी इनिशियल आर्म लेफ्ट साइड में घूमती है तो पॉजिटिव लिया जाएगा एंगल, अगर राइट साइड में घूमती है, ऐसे घूमती है, तो नेगेटिव एंगल लिया जाएगा, आप समझ गए यहां पर। चौथी बात दोस्तों आपकी, बात ये है कि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है रेडियन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहां पे 1 डिग्री, ठीक है, आपके सेक्सागेसिमल सिस्टम में डिग्री में मेजर किया जाता है, उस सिस्टम से सीधी सी बात है यार, आप जिस फैमिली में पैदा होते हो उसके तो आपके नाम के सामने उस फैमिली का सरनेम लग जाता है। जैसे कि आप यादव फैमिली में पैदा हुए हो, वो सुनीता यादव, रमेश यादव, ठीक है ना, राम सिंह, तो जो सिंह है वो एक तरीके से उस सिस्टम का यूनिट है। तो आपका जो पिछला जो सिस्टम था उस सिस्टम में, सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो यूनिट था उसको नाम दिया गया डिग्री, कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो बताया, लेकिन इस सिस्टम में आपका यूनिट है रेडियन। और इसको दिखाने के लिए, जैसे आपका मेजर है थीटा, एंगल का मेजर थीटा है, तो हम केवल सी, छोटा सा सी वहां पे, जस्ट वी पुट सी अबो इट, हम उसके ऊपर एक छोटा सा सी बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड थीटा रेडियन। अब इसमें 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन या फिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी 4 बातें जो आपको है ये आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये सर्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में मैंने बात किया,
मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या बिलीफ्स है यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या बिलीफ थे मैंने बता दिया, आप देख लीजिए उसे अच्छे से। इसमें क्या बिलीफ है कि किसी भी एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखेंगे, और स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि उसकी इनिशियल आर्म जो है दैट विल ऑलवेज बी टेकन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। फिर ये माना जाता है कि यही जो इनिशियल आर्म है ये घूमती है, ये दोनों ही डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकती है। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से एंगल पॉजिटिव बनता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से एंगल नेगेटिव बनता है। ये आपको बिलीफ यहाँ पर लेके चलना है। चौथी बात क्या है कि इस सिस्टम का यूनिट क्या, मतलब जो आप एंगल यहाँ पर मेजर करोगे तो उस एंगल को आप किस यूनिट में मेजर करोगे, उसकी यूनिट क्या होगी। उसका यूनिट है रेडियन। मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स, ये यूनिट जो है ये एक पर्टिकुलर सिस्टम का नाम, हर एक फैमिली का जैसे एक सरनेम होता है उसी तरीके से आपके एक सिस्टम का भी क्या है, एक नाम है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये कितना, वन डिग्री कितना होता है, वन रेडियन कितना होता है, ये मैटर करता है, क्योंकि हमने तो सिस्टम चेंज किया है। हम वहाँ पे हमारे एंगल्स बहुत बड़े हो रहे थे, लिखने में बहुत तकलीफ हो रही थी, हम इसी सिस्टम को चेंज किए तो यहाँ पे फर्क तो पड़ेगा ही ना। हम यहाँ पर बड़े एंगल को छोटा करके लिख रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ना, सीधी सी बात यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसे जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक था, आज जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, हमारे एंगल रिप्रेजेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग जो जिस सिस्टम में हम अभी तक एंगल्स को पढ़ रहे थे, सेक्सागेसिमल सिस्टम में, वहाँ पर हम लोग ये बिलीव करते थे कि हमारा जो एंगल का मैक्सिमम मेजर है 360 डिग्री है। बट हमने आगे आके अब हम देख रहे हैं कि नहीं यार, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, एक रोटेशन से काम कंप्लीट नहीं होता, इट हैज़ टू टेक नंबर ऑफ रोटेशन। दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज आवर सिस्टम, बिकॉज एंगल अब बड़े होंगे, नंबर ऑफ रोटेशन, एंगल बड़ा होता जाएगा, उसे डिग्री में लिखना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो वी नीड सम डिफरेंट सिस्टम हियर। सो द सिस्टम इज व्हाट, सर्कुलर सिस्टम, द बिलीव्स इज गिवन हियर। आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छे से बातों को कंफर्म कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इन दोनों के कुछ रिलेशंस को लेकर, कि इन दोनों में क्या रिलेशंस हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये बात ना भूलें फ्रेंड्स कि ये जो हमारा चैनल है संपूर्ण मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैं आपके 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मैं यहाँ पर पूरा पढ़ाऊँगा। मैं जो 11th FYJC SYJC, ठीक है ना, आपके पूरे कॉन्सेप्ट आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हो आप उन्हें इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।